लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही अब टिकटों के लिए बंटवारे की कवायद भी शुरू हो गई है। दावेदारों की तरफ से हर वो तिकड़म लगाई जा रही है जिसके जरिए वो लोकसभा चुनाव लड़ सके। ऐसे में टिकटों को लेकर जो कुछ पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रहा है, हालांकि उससे कोई भी अनजान नहीं है। इसी के चलते चंडीगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को अपना नॉमिनेशन भेजने वाली नवजोत कौर सिद्धू ने यहां डेरा डाला हुआ है। नवजोत कौर सिद्धू की इस दावेदारी को लेकर कांग्रेस का एक खेमा खास तौर पर उनका विरोध करता नजर आ रहा है। इन सबके बीच नवजोत कौर सिद्धू ने साफ कर दिया है कि वो चंडीगढ़ दौरे में जहां की जनता के बातचीत करके उनकी समस्याओं का निदान करेंगी, सूची तैयार करेंगी ताकि चुनाव जीतने के बाद उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। देखो, मैं एज ए लेडी कैंडिडेट पहले ही किया कि मैं चंडीगढ़ तो ही कागज पर रही है एंड ए पार्टी का डिसीजन है अल्टीमेटली कि टिकट किनू देनी है, बट मेरा जो मैं चाहनी हूँ तो मैं हमेशा यूटी ले ही किया है, तो मैं होर कितों चुनाव कितों भी कागज नहीं पर। देखो, कदे भी मेरे वालों कोई नैगेटिविटी नहीं है। मैं हमेशा मानती हाँ कि लीडर वो चंगा होंदा जिहड़ा सारी पार्टी नूं इकट्ठा कर सके। एक उन्होंने भी यही चाहिए, अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए है। कांग्रेस पार्टी एक है, किसी ने स्प्रिट नहीं की, ना किसी ने किसी को हक दिता कि मैं अपनी कोई अलग पार्टी बनावा, कोई होर लीडर अपनी अलग पार्टी बनावे। कांग्रेस पार्टी एक ही है, उन्होंने मैसेज देना भी गलत है भी तुम साढ़े न जुड़ोगे तो मिलेगा, मेरा मैं वो राजनीति मैं नहीं आती। सारी कांग्रेस पार्टी को इकट्ठी लेके चलेंगे, जिन्होंने भी टिकट मिली वो ही पार्टी काम करेगी एंड इंश्योर करेगी।